गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड मल्टीप्लिकेशन चैप्टर चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर। अब मल्टीप्लाई करना है वन डिजिट नंबर से। मल्टीप्लाइंग बाय ये वन डिजिट नंबर इज़ वेरी सिंपल इफ यू नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल। यू विल हैव टू रीग्रुप एंड कैरी ओवर वेर एवर द प्लेस इन एनी प्लेस एक्सीड्स। 9. Study these example to understand different ways of multiplication. Example 1. What is 3 times 32? अगर 3 times 32 आएगा तो answer क्या आएगा? तो जैसे इसमें लिखा है method 1, box type multiplication. अब box में multiplication कैसे करते हैं वो समझना है आपको। जैसे इसने box बनाए हुए हैं 2, अब इसके ऊपर 30 और ये 2 लिखा है और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 3 से। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, ये 32 है। 32 मतलब क्या हो गया, ये 2 क्या है, वंस है ना, प्लस, और 3 क्या है, टेंस। तो टेंस का 3 टेंस मतलब 30 हो गया और 2 का 2 हो गया, तो 30 प्लस 2, समझ गए। तो 30 यहाँ पे आ गया और ये 2 आ गया, तो ये क्या बन गया, 32 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई टेंस एंड वन सब्ट्रैक्टली। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 30, फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, और 3 2 जा 6, एड द रिजल्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 90 और 6 को, जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या करना है, प्लस। तो 90 प्लस 6, 96। द सॉल्यूशन विल लुक दिस, लुक लाइक दिस। अब इसका आंसर क्या हो गया, 33 जा 90, 3 2 जा 6, तो 90 प्लस 6 तो 96। मेथड 2 आप लोगों को आता है, जैसे टेंस वंस 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 27 एंड 2। अब 27 में आप 27 क्या हो गया, 22 क्या हो गया, टेंस, और 7 क्या हो गया, वंस। तो 2 10 मतलब 20 और 7 का 7, तो 2 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 20 और 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 और 7 2 जा 14, तो 40 प्लस 14, तो 40 में 14 प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 54। इसी तरीके से मेथड 2, टेंस वंस 27 मल्टीप्लाई 2, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी 2, 2 जा 4, 4 और 1 5। नेक्स्ट पेज, मल्टीप्लाई 212 मल्टीप्लाई 4। अब अपने को 212 है, अब 212 में आपको क्या करना है, देखो 2 क्या है, वंस, 1 क्या है, टेंस, और 2 क्या है, 100। तो 200 प्लस 10 और 2, सेम इसी तरीके से आपको बॉक्स के ऊपर लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे आप, 200 फिर 10 फिर 2, मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 4 से, तो 4, 200 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 800, फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो आंसर क्या आ गया, 40, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 8, तो 800 प्लस 40 प्लस 8, तो इन सबको प्लस किया तो क्या आ गया, 848। और ये वाला सिंपल तरीका मेथड, अब वंस टेंस 100। आप पहले देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, 345 मल्टीप्लाई 6, वैसे ही है, 5 क्या है, वंस, 4 क्या है, टेंस, और 3 क्या है, 100। तो 340 और 5 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 345 और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6 से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1800, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300, तो 1800 240 और 30, इनको प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 2070। प्लस करना आता है ना आप लोगों को, कैसे करते हैं, फिर भी एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 1800, 1 के नीचे एक डिजिट, पीछे से ही अपन को डिजिट उतारने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 240, तो पहले 0 फिर 4 फिर 2 फिर क्या है, 30, तो पीछे से उतारना है आपको, ध्यान रखना नंबर हमेशा पीछे से उतारना। तो पहले 0 का 0, 4 और 3 7, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई
करनी है। फिर मेथड टू, 345 में 60 मल्टीप्लाई, 65 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 64 जा 24, 24 और 3, 27, 7 और 2 कैरी, 63 जा 18, 18 और 2, 20। तो आंसर क्या आ गया, 2017। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, मल्टीप्लाई 1243 मल्टीप्लाई 2, सेम वो का वही है, 3 क्या है, 1s, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 1s, तो 2 3 जा 6। फिर नेक्स्ट है 4, 4 क्या है, 10s है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 10s, तो 4 10s मतलब क्या होता है, 40 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 40 तो क्या आ गया, 80। अब 2 क्या है, 100, तो 200 का 2H लिखा है, आप अपने ब्रैकेट में 200 समझने के लिए लिख लो। अब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 200, 400 हो गया, फिर 1000, 1000 मतलब क्या हो गया, 1000, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 तो क्या हो गया, 2000। अब इन सबको आपको क्या करना है, प्लस, इन सबको प्लस कर लो, देखो 6 का 6, 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2, तो आंसर क्या आ गया, 2486। मेथड टू, 1s, 10s, 100, 1000। अब इसको करनी है मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2986 मल्टीप्लाई 7, 6 क्या है, 1s, तो 7 मल्टीप्लाई 6, ओ का मतलब 1s, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 42। फिर 8 क्या है, 10s, तो 7 मल्टीप्लाई 8 10s, 8 10s मतलब 80, तो 7 8 जा 56, और 0 कितना है, 1, तो पहले 0 लगाओगे और 8 7 जा 56। अब क्या है, 9 क्या है, 100, तो 900 का, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 900, पहले कितने 0 लगाने है, पीछे 2 0, फिर कितना हो गया, 7 9 जा 63। फिर 2000, तो 1000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले कितने 0 है, 30, और 7 2 जा 14। अब इन सबको आपको प्लस करना है, वैसे ही पहले 2 का 2 आ गया, फिर 4 और 6 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 3 8, 8 आ गया, नहीं 5 और 1 6, 6 और 3 9, सॉरी 9, फिर 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 1 एंड 1 2, ये आंसर आ गया। सेकंड मेथड, 1s, 10s, 100, 1000। अब पहले इसको लिख लिया क्वेश्चन को, पहले लिखना है 7 6 जा 7 6 जा, क्या होता है, 42, 2 नीचे 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 4 60 का 0 6 कैरी, 7 9 जा 63, 63 और 6 69, तो 9 इधर नीचे 6 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 6 20। ओके, नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज 4.2, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4, यानी बॉक्स बने हुए हैं तो बॉक्स के वाली मेथड से करना है आपको। तो पहले देखो 21 है, तो 1 क्या है, 10s, और 2 क्या है, 10s, 2 10 मतलब 20, तो आप पहले 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 20 तो क्या आ गया, 80, 4 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ गया, 4, तो अब आंसर क्या लिखा, ऐसे लिखोगे, पहले क्या आया था, 80 प्लस 4, 80 प्लस 4 84। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 मल्टीप्लाई 2, तो 3 क्या है, 1s, और 3 ये क्या है, 10s, तो 3 10s मतलब 30, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया, 60, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 60 प्लस 6 66। नेक्स्ट 63 मल्टीप्लाई 5, तो 63, यानी 3 क्या है, 1s, और 6 क्या है, 10s, तो 60, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 मल्टीप्लाई 60 तो 300, 5 मल्टीप्लाई 3 तो 15, तो 300 प्लस 15, 315। नेक्स्ट 127 मल्टीप्लाई 3, तो 107 क्या है, 1s, 2 क्या है, 10s, तो 2 10s मतलब 20, 100 है तो 100 लिख देंगे। फिर इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 मल्टीप्लाई 100, 300, 3 मल्टीप्लाई 20, 60, 3 मल्टीप्लाई 7, 21, तो इन सबको आप प्लस करोगे तो 381। इसी तरीके से नेक्स्ट दोनों सेम है, आपको खुद से करने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स, अब मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ध्यान रखना है पहले इन दोनों को करना है, तो 3 3 जा 9,
थ्री टू जा सिक्स, सेम ऐसे यही है फोर टू जा एट, टू फोर टू टू थ्री जा सिक्स, फिर फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी। नेक्स्ट फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट और फोर वन जा फोर, थ्री डिजिट आ गई है वंस टेंस हंड्रेड, फिर नाइन नाइन जा एटी वन, तो वन इधर एट कैरी, ओके। नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन में आपको क्या प्लस करना है एट, तो ट्वेंटी सेवन के बाद एट काउंट करो, ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव का फाइव थ्री कैरी। नाइन नाइन थ्री नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर में थ्री प्लस करो, फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन, ओके। फिर नेक्स्ट एट की टेबल टू टाइम, एट टू जा सिक्सटीन वन कैरी, एट वन जा एट, एट और वन नाइन, एट फोर जा थर्टी टू, ओके। फिर ये दो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, अब इसको मल्टीप्लाई करो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू की टेबल एट टाइम, टू एट जा सिक्सटीन वन कैरी, टू की टेबल थ्री टाइम, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स और वन सेवन, टू की टेबल फोर टाइम, टू फोर जा एट, टू की टेबल थ्री टाइम, टू थ्री जा सिक्स। नेक्स्ट अब नाइन की टेबल एट टाइम, नाइन एट जा सेवेंटी टू सेवन कैरी, टू नीचे सेवन ऊपर, नाइन टू जा एटीन, एटीन के बाद सेवन काउंट करना है, यहाँ तक सेवन आते हैं आपके, तो एटीन नाइन टू जा एटीन में सेवन प्लस करो, तो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव का फाइव टू कैरी। नाइन की टेबल जीरो टाइम होता ही नहीं है, तो जीरो, जीरो में टू प्लस किया टू, नाइन टू जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन वन जा सेवन, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, सिक्स नीचे फाइव ऊपर, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन और फाइव, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, नाइनटीन का नाइन नीचे वन कैरी, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी नाइन। इसी तरीके से ये दोनों हैं, जो भी वर्क मैंने कराया है ये आपको सारा आपको नोटबुक में करना है, ओके। थैंक यू।